माता वैष्णो देवी जी का भवन कटरा से 16 किलोमीटर आगे है। यहाँ हर साल लाखों लोग श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं जिसे माता भुलावा भेजती है सिर्फ वो ही माँ के भवन में जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अगर आप माता वैष्णो देवी जी के भवन आ रही हैं, तो आप कटरा से भवन तक कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ पहुँचने का रोड मैप क्या होगा, आप वहाँ पे होटल्स कैसे बुक करवा सकते हैं और आपको यहाँ पे श्राइन बोर्ड की कौन कौन सी फैसिलिटीज देखने को मिलेगी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कटरा पहुँचने के लिए आप फ्लाइट, बस या फिर ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा तक की बस मिल जाएगी। ट्रेन से जाने पर आप डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीक जम्मू एयरपोर्ट मिलेगा। उससे आगे आप बस या फिर टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से कटरा आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन बुक करवा कर आ सकते हैं। इसके लिए आपको 1 या 2 महीने पहले से रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। बाण गंगा तक जाते हुए रास्ते में आपको माता के प्रसाद और श्रृंगार की बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें से आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप कटरा में रुकने के लिए होटल्स देख रहे हैं तो आपको 1000 से 1500 की रेंज में आराम से होटल मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर भी धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी जिनकी बुकिंग आप करवा सकते हो। कटरा में बहुत सारे होटल्स बाण गंगा तक पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप अपने होटल से जरूर पूछिए कि वो आपको बाण गंगा छोड़ेंगे या नहीं। इसके बाद आपको यात्रा पर्ची कटवानी पड़ेगी जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर कटरा चौक पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये पर्ची ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। यहाँ से पर्ची लेकर आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यात्रा पर्ची लेते वक्त आपको अपना आधार कार्ड या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चेक करवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक कार्ड मिलेगा जो यात्रा से वापस आते हुए आपको बाण गंगा पे जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप भवन तक पैदल नहीं जाना चाहते तो बाण गंगा से पालकी, पोनी, बच्चों के लिए बेबी कॉट या फिर हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। पालकी और पोनी की रेट लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके रेट चेक कर सकते हैं। भवन की चढ़ाई बाण गंगा से शुरू होती है और यहाँ से अर्धकुंवारी 6 किलोमीटर है, जिसके बाद आगे 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो सांझी छत से होकर भवन तक जाएगा और ये 9.5 किलोमीटर लंबा है। दूसरा हिमकोटी मार्ग है जो 8.5 किलोमीटर लंबा है। हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार चलती है जो अर्धकुंवारी से आपको भवन तक पहुंचा देगी और इसके लिए आपको 350 रुपए देने होंगे। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी। अगर आप सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी जो आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। सांझी छत तक हेलीकॉप्टर की 1 साइडेड बुकिंग 1300 रुपए की पड़ेगी और वहां से भवन 2 किलोमीटर आगे है। श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, जिसमें आपको जगह जगह पर वाटर कूलर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और वॉशरूम की फैसिलिटीज भी आपको 1 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगी। रास्ते में बहुत जगह पर श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से कंसेशन रेट पे आपको चाय, कॉफी और लंच की शॉप्स भी मिल जाएगी और आप वहां पर रुककर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं।
भवन में पहुँच के आपको अपना सारा सामान जिसमें मोबाइल फोन, डिजिटल वॉच, पर्स, लेदर बेल्ट और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लॉकर में रखवाना पड़ेगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और इसके बाद आप आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से